टीना दत्ता घर के अंदर विमेन कार्ड खेलती नजर आई और इस बात पर सबसे ज्यादा अगर किसी को गुस्सा आया तो वो थी सुंबल तौकीर खान। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं और वीडियो भी दिखाऊंगी। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि टीना दत्ता ने कल पूरे नॉमिनेशंस में, जाहिर सी बात है, उन्हें गुस्सा, उन्हें जो बुरा लगा वो रीजन था कि वो कैप्टन नहीं बनी। लेकिन जब शिव ने उन्हें नॉमिनेशन वाले एरिया में, जब शिव और टीना की जितनी भी ज्यादा कहा सुनी हुई, जो भी सारी चीजें हुई, उन सारी चीजों में टीना के अंदर से बहुत ज्यादा चीजें निकलकर पहली बार सामने आई कि अपनी माँ बहन को बोल जाकर, अपनी माँ को बोल डियर, और ये वो प्रॉब्लम यहाँ पर डियर शब्द में नहीं थी क्योंकि शिव जो है वो अब तक तो टीना के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अब डियर वर्ड बोलने से अचानक से ऐसा कौन सा इतना बड़ा स्विच आ गया कि आपने कह दिया आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अपना कंफर्टेबल जोन जो है वो अपने क्या कहते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप दोस्ती में भी, अगर आपको कोई डियर बोल रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे कि आप मुझे, हम फ्रेंड्स हैं लेकिन आप इस दायरे में मेरे साथ रहिए। लेकिन जब दोस्त हैं तो आप ऐसा बोलिए मुझे, लेकिन जब हम दोस्त नहीं है या आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया या फिर आपने मेरी कैप्टनसी मुझे नहीं दी है तो आप मुझे डियर मत बोलिए। इसको कहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फायदा या ना फायदा देखकर ये डिसाइड करना कि कब मैं कंफर्टेबल होंगी ऐसे शब्दों से, कब मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी। अगर आपको किसी का मस्ती करना आपके साथ पसंद नहीं है तो आप हर सिचुएशन में उस बात पर खड़े रहेंगे कि मुझे आपका मस्ती करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर उस इंसान ने आपको नॉमिनेट कर दिया फिर आपका मस्ती करना पसंद नहीं है तो ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात करते हैं शो के बारे में। कल के दिन सुंबल ने क्या कुछ कहा, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। So, आपने क्लियरली देखा कि कैसे सुंबल इस चीज पर भड़की हैं कि क्या क्लासलेस गाय आप दूसरे को बोल रहे हो, आप अपना क्लास दिखा रहे हो कि आप कैसे बात कर रहे हो। सो इस चीज पर जो टीना ने ये विमेन कार्ड खेला है इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर।